हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय दशहरे मेले के एक और नए ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज ही 2 अक्टूबर हो चुका है और कल 3 अक्टूबर से राष्ट्रीय दशहरे मेले का जो भव्य शुभारंभ है वो होने वाला है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर विजयश्री रंगमंच है, तो विजयश्री रंगमंच को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है क्योंकि कल यहाँ पर हेमा मालिनी आने वाली है और उनका जो दुर्गा नृत्य है वो भी यहाँ पर पेश होगा, जिसको देखने के लिए काफ़ी सारे जो कोटा के आसपास से लोग हैं वो भी आने वाले हैं। साथ में काफ़ी सारे जो अतिथिगण वगैरह है वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखा देता हूँ किस तरह की जो तैयारियाँ फिलहाल यहाँ पर कल मेले के उद्घाटन को लेकर के चल रही है। मेले की तैयारी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैठने के लिए आसपास मेटे वगैरह ये बिछा दी गई है और चेयर वगैरह भी यहाँ पर अभी लगाई जा रही है, उतारी जा रही है। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर जो सोफे वगैरह हैं ये भी उतार रहे हैं अभी गाड़ियों के माध्यम से, और बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं आप नीचे जो ग्रीन कलर की मेटी होती है ये यहाँ पर बिछाई हुई है और आसपास की जो यहाँ पर बैरिकेड वगैरह है उनको कलर वगैरह करके काफ़ी अच्छे से कर दिया गया है। इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर बैरिकेड वगैरह रखे हुए हैं। इधर की तैयारी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो चेयर वगैरह है यहाँ पर अभी उतारी जा रही है और ये इधर की तैयारी आप देखिए। इधर जो ट्रस्ट है अभी यहाँ पर DJ का ये लगाया जा रहा है और कल यहीं पर शाम को 7:30 बजे जो हेमा मालिनी का जो कार्यक्रम है ये रहने वाला है, तो काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर इस रंगमंच को सजाया जाएगा। ये आप देखिए इधर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था रहेगी और कालीन वगैरह देखिए यहाँ पर अभी ला रखे हैं, मतलब तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कालीन वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई है। चारों तरफ यहाँ पर कालीन बिछेगी, बैठने के लिए जो चेयर वगैरह है वो भी यहाँ पर लाई गई है। साथ में इधर देख सकते हैं आप सोफे वगैरह भी यहाँ पर आ चुके हैं और इधर से देख सकते हैं आप गाड़ी से भी जो चेयर वगैरह यहाँ पर उतारी जा रही है। इधर भी यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी आगे भी, ये देख सकते हैं क्योंकि आगे VIP लोगों के लिए रहता है दीर्घा वगैरह जो देखने की होती है, तो यहाँ पर आगे सोफे वगैरह लगने वाले हैं और जो लोग आएंगे बाहर से तो उनके लिए पीछे यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये यहाँ का व्यू है आज विजयश्री रंगमंच का, इसको तैयार करने में लगे हुए हैं क्योंकि जब जो यहाँ पर प्रस्तुति होगी हेमा मालिनी की तो काफ़ी अच्छी तरीके से लाइटिंग वगैरह यहाँ पर रहने वाली है। विजयश्री रंगमंच के साइड पे जो एक और झूला मार्केट है सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर झूला लगा हुआ है, तो चलिए वहीं पर आपको लेकर के चल रहा हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके के जो झूले वगैरह वहाँ पर फिलहाल आए हुए हैं। नगर निगम का जो पीछे वाला गेट था वहाँ का तो दृश्य मैंने आपको दिखा दिया झूला मार्केट का, और एक और झूला मार्केट यहाँ पर लग रहा है पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पर राउंड वगैरह बन रहा है, तो ये कुछ यहाँ पर झूला मार्केट रहने वाला है जहाँ पर आप अपने बच्चों को ला करके झूले वगैरह झूला सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो छोटे छोटे झूले हैं ये रखे हुए हैं, तो इनका मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के झूले फिलहाल यहाँ पर बच्चों के लिए आए हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉय कार होती है बच्चों की यहाँ पर आई हुई है, और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं सामने विजयश्री रंगमंच के जस्ट सामने आपको यहाँ पर जो झूला मार्केट है देखने को मिलेगा, ये स्पेस यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो बड़ी नाव वगैरह वो भी लगने वाली है, फिलहाल यहाँ पर जो इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं इधर आप देखिए छोटे बच्चों के झूले वगैरह हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिलहाल यहाँ पर इनको तैयार किया जा रहा है। 3-4 झूले यहाँ पर फिलहाल रखे हुए हैं। इस बार यहाँ पर भी जो पूरा मार्केट आपको देखने को मिलेगा और अलग ही नाम यहाँ पर इसका रखा हुआ है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर कोई जो दर्शक हैं वो आते नहीं थे, इसलिए इस बार यहाँ पर एक्टिविटी वगैरह भी रहेगी साथ में झूला मार्केट भी रहेगा, ताकि जब यहाँ पर कोटा दशहरे मेले में लोग घूमने आएँ तो चारों तरफ यहाँ पर विजिट कर सकें। यहाँ पर भी ये पूरी शॉप वगैरह बनाई हुई है, हालांकि हलचल यहाँ पर कमी रहती है लेकिन इस बार इसको भव्य तरीके से बनाने के लिए इधर ही पूरा मार्केट बनाया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक और झूला जो ब्रेक डांस झूला है यहाँ पर लगा हुआ है, और सामने मैं आपको डोम दिखा देता हूँ यहाँ पर रावण तैयार किया जा रहा है, और इसी के जस्ट पास में यहाँ पर जो ब्रेक डांस झूला है ये भी लगाने की जो तैयारी है यहाँ पर चल रही है, और कुछ जो छोटे झूले हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों ये है गेट नंबर 13 परशुराम द्वार, इसको नाम दिया गया है, और इसी के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो झूले हैं नाव वगैरह हैं ये यहाँ पर अभी लगना शुरू हो चुकी है, और इस बार आपको मेला परिसर में चारों तरफ जो झूले वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगे। लगभग 10 से 12 जो नावें फिलहाल मैं देख चुका हूँ, तो यहाँ पर नाव लगाने का जो कार्य है अभी जोरों शोरों से चल रहा है, देख सकते हैं सामने यहाँ पर काफ़ी सारा जो सामान वगैरह रखा हुआ है ये देख सकते हैं, बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर सेफ्टी से रखी हुई है क्योंकि इसको पैकिंग करके लाया जाता है, देख सकते हैं पूरा लोहे का फ्रेम यहाँ पर बना के रखा हुआ है इसमें ताकि गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर डैमेज नहीं हो। इधर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा जो झूला है यहाँ पर रेडी हो चुका है, और सबसे अच्छी बात दोस्तों
कि जब यहाँ पर झूले लग रहे हैं तो इस बार इनमें विशेष तौर पर कैमरे वगैरह भी लगाए हुए हैं। सभी यहाँ पर अभी जोरों शोरों से लगे हुए हैं इसको तैयार करने में। एक नाव आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी लगी हुई है। तो ये कुछ सीन रहने वाला है और दिशा निर्देश तो आप देख ही सकते हैं, और पहले के वीडियो में मैंने दिखाया था आपको दिशा निर्देश। और ये इधर आ जाता है विजयश्री रंगमंच। शाम का समय हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं और सूर्य अस्त होने का जो समय है फिलहाल चल रहा है। इधर की तैयारी आप देख सकते हैं, ये कुछ सीन है यहाँ पर झूला मार्केट का। कल का वीडियो तो मैंने डाला ही था, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए हुए हैं कि रंगमंच किधर है, रावणदहन किधर होगा, प्रसादन वगैरह किधर है। और ये कुछ सामने का सीन है, तो इसमें लघु उद्योग जो प्रदर्शनी है वो लगने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसी कुछ दुकानें आई नहीं है, लेकिन बट रावणदहन होगा तो उसके बाद में जो दुकानें वगैरह वो प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं इधर काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर इसको डिजाइन किया हुआ है, और जगह का देख सकते हैं आप, फाउंटन वगैरह यहाँ पर किया हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं रोड वगैरह की मरम्मत यहाँ पर फिलहाल चल रही है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो धूल उड़ने का और ऐसा कुछ सीन तो रहने वाला नहीं है, काफ़ी साफ़ सफाई रहने वाली इस बार मेला परिसर में। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी यहाँ पर मेला परिसर की। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।